हां जी, हमें यहां विटनेसिंग दिस ग्लोरियस इवनिंग विद माय बॉयज, मेरी जान, मेरे प्यार, मेरे बच्चे मक्कू और गोस्टू। एज अ पर्सन या फिर इंसान के तौर पे देख लो, आई एम लिविंग अ ड्रीम, लिविंग सो क्लोज टू द हिमालयस इन अ प्लेस सो ब्यूटिफुल, जहां हवा इतनी साफ, आसमान इतना नीला, जमीन इतनी सुनहरी और पानी एकदम मीठा, और सबसे जरूरी मेरे बच्चे। आपने हमें जाना और बहुत सारा प्यार दिया, और अभी मैं इस मोमेंट को जी रहा था कि मुझे किस्सा याद आया, एक किस्सा जो आपको बताना बहुत जरूरी है। जब हमारा गोस्टू बच्चा था, 6 महीने का, तो एक एक्सीडेंट हुआ हमारे साथ, जो कि अगर नहीं हुआ होता तो आप सब ये कुछ भी नहीं होता। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी को शुरू करने से पहले एक मजेदार किस्सा आपको सुनाता हूँ। तो जब गोस्टू हमारे पास आने वाला था, जिस भैया से हम गोस्टू को ले रहे थे, उन्होंने हमें बताया कि भैया इसकी दोनों आंखों का कलर अलग अलग है। मैंने जब नेट पे सर्च किया तो मुझे पता चला कि इट इज कॉल्ड हेटरोक्रोमिया, और ये सिर्फ डॉग्स में ही नहीं, ये इंसानों में भी पाया जाता है। इनफैक्ट हर तरह के जानवर में इसके केसेस कहीं ना कहीं पाए जाते हैं। गोस्टू जब हमारे पास आया तो हमने देखा कि उसकी एक आई ब्राउन और एक आई ब्लू है, एंड वी वर अमेज्ड। इतना अमेजिंग लगता था वो, ऐसा लगता था कि गोस्टू की जो आईज है ना, एकदम मैजिकल है। जब गोस्टू बड़ा हुआ तो वी डिस्कवर्ड समथिंग एल्स, वी डिस्कवर्ड कि व्हाई गोस्टूज आई आर इवन मोर स्पेशल। देखो, हेटरोक्रोमिया दो तरह का होता है, कंप्लीट और सेक्टोरियल। कंप्लीट हेटरोक्रोमिया में दोनों आईज अलग अलग कलर की होती हैं, और सेक्टोरियल में एक आई में दो तरह के कलर्स होते हैं। और हमारा गोस्टू आपको पता है कितना स्पेशल है, हमारे गोस्टू की दोनों आईज का कलर तो अलग अलग है ही, पर इसकी जो ब्लू आई है उस ब्लू आई में भी ब्राउन कलर है, विच मेक्स हिम रियली स्पेशल। जब मैंने ये डिस्कवर किया, मैंने इसकी पिक्चर ली और पिक्चर लेके इंस्टाग्राम पे डाला। इंस्टाग्राम पे उस पिक्चर को ये वेट ने देखा एंड ही मैसेज मी बैक। उन्होंने मुझे बताया कि ये जो केस है ये बहुत ही रेयर है, और 1 in a million में ये चांसेस होते हैं कि इस तरह की आईज आपके डॉग्स की निकले। सो लाइक अ प्राउड फादर आई वॉज हैप्पी फॉर गोस्टी कि हमारा गोस्टू इतना स्पेशल है। पर अब आते हैं मुद्दे की बात पर। तो ये कहानी शुरू होती है जब गोस्टू 6 महीने का था। हम एज यूजुअल अपनी मॉर्निंग हाइक्स पर जाया करते थे। ये दिन भी और दिनों की तरह हसीन था, सुबह बहुत खूबसूरत थी। मैक्स और गोस्ट एज यूजुअल मस्ती कर रहे थे। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था कि सडनली हमारे आगे से भागा एक खरगोश। जैसे खरगोश को गोस्टी ने देखा, गोस्टी ने उस खरगोश को चेस करना शुरू किया। खरगोश अपने सेल्फ डिफेंस में एक झाड़ी के अंदर कूदा, और गोस्टी ने बिना देखे उस झाड़ी के अंदर कूद मार दी। जैसे झाड़ी के अंदर गोस्टू कूदा, एक तेज चिल्लाने की आवाज़ आई और मुझे पता लग गया था कि कुछ तो गड़बड़ हो गई है। जैसे हम गोस्टू के पास गए, हमने देखा गोस्टू बगल में लेटा हुआ था, शांत एकदम, आंख नहीं खोल रहा था। उसकी आंख देखी जब हमने, दोस्तों गोस्टी खोल बेटा, वो यार रेड रेड हो रहा है आंख में, देखो नहीं ये गोस्ट की आंख में जब चोट लगी, आई फेल्ट सो हेल्पलेस। मेरे बच्चे की आंख में चोट लगी है, मेरा बच्चा इतने दर्द में है, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे वेट्स को मैंने दिखाया, उन्होंने अच्छे से देखा भी, दवाई भी दी, बट आई वॉज नॉट श्योर। और उसकी दवाई मैंने 2 दिन तक तो डाली, बट देन आई डिसाइडेड कि नहीं, पिथौरागढ़ में इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता एंड वी हैव टू गो समवेयर एल्स। अब सबसे नज़दीक जो वेटनरी हॉस्पिटल था बढ़िया, वो था बरेली में, एंड बरेली भी यहाँ से ऑलमोस्ट 9 hours अवे है। As all of you are aware about Ghosti's eye condition, it is improving but not improving much. So today we are traveling to Bareilly. Bareilly has the biggest institute of veterinary services in India. तो problem ये थी दोस्तों कि गोस्टू और मैंने साथ में कभी सफ़र नहीं किया था। मैक्स को लेके तो मैं बहुत सारी जगह जा चुका था, पर गोस्टू ने आज तक गाड़ी में कभी इतना लंबा सफ़र नहीं किया था। गोस्टू के लिए मैं बहुत डरा हुआ था, एक रीज़न ये था। दूसरा रीज़न ये भी था कि बरेली में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। उस दिन का टेम्परेचर बरेली में दिखा रहा था 39 degrees, पिथौरागढ़ में था 14 degrees। मेरे को ये डर लग रहा था कि जब इतनी गर्मी में गोस्टू वहाँ पे जाएगा, बेचारे को ऑलरेडी दर्द हो रहा है आँख में, वो कैसा फील करेगा, हेल्पलेस फील करेगा, रेस्टलेस फील करेगा, पैनिक करेगा।
मेरे को कोई आइडिया नहीं था, पर मैंने सोचा नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा, बच्चे की आंख दिखानी दिखानी है। और हम अगले दिन निकले पिथौरागढ़ से परी निकले। वी हैव विद मी फॉर टुडेज ट्रैवल मिस्टर मैक्स एंड मिस्टर गोस्ट। हाय गोस्टी, से हाय टू द कैमरा। हाय गोस्टी। जब हमारा सफर शुरू हुआ तो मैं डरा हुआ था कि गोस्टू गाड़ी में बैठ के थोड़ी देर में रेस्टलेस हो जाएगा, गुस्सा करेगा, चिल्लाएगा, फ्रस्ट्रेट होगा। पर टू माई सरप्राइज गोस्टी तो बिल्कुल गुड बॉय की तरह बैठा हुआ था, एकदम शांत, एकदम चिल्ड आउट। मैक्स, ए मैगी, नीनू आई। सो नीनू आ रही है, सो जाओ। सोते हुए बच्चे को नींद से उठा के पूछ रहे हैं, नीनू आ रही है, बाप लगेगा तेरे को। 3 out of 9 hours done. How are you doing, Maxi? Hey, Gadi. मेरे पास ज्यादा फुटेजेस तो नहीं है, पर हाँ हम सफर करते गए और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए गोस्टू एकदम रिलैक्स बैठा हुआ था। अनलाइक हिज कैरेक्टर ही वॉज वेरी चिल्ड आउट, विच मेड मी सो हैप्पी। हाय सर, दिस वाज सपोज्ड टू बी माय सीट, आई एम मैक्स। गोस्ट, गाड़ी चलाओगे क्या? और चलते 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 9 घंटे बाद वी रीच्ड बरेली। Reached Bareilly and these two guys have found the spot. Hey Ghost, you liking it, bro? Hey Ghosty, say thanks to Bimanyu. Ghosty, say thank you. हम बहुत थके हुए थे and we decided कि फटाफट से सो जाते हैं, सुबह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठेंगे और फटाफट से गोस्टू को हॉस्पिटल लेके जाएंगे। देखो अर्ली मॉर्निंग पेट पूजा के लिए हम गए दीनानाथ लस्सी पीने और वहां से हम गए IVRI. So we've reached here. IVRI. तो ये जो आप देख रहे हैं टिकट काउंटर है, ये टिकट काउंटर है, यहाँ से आप पर्ची कटाएंगे। ये इनकी पर्ची कटी है और इट इज़ जस्ट 60 rupees, मतलब 30 rupees पर डॉग, बहुत ही सस्ता है आप देख रहे हैं। एंड ये पूरी जो पूरा इनका जो हॉस्पिटल्स हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं, बहुत अमेजिंग बने हुए, बहुत बड़ा है ये। तो आई होप कि यहाँ पर अच्छे से इलाज हो। और ये कि उस टाइम पर आपका भाई यूट्यूबर तो था नहीं, ना ही कोई ऐसे एक्सपर्ट था, तो जो मैं बच्चों जैसा जो बच्चों वाला नरेशन कर रहा हूँ ना, तो उसको थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ओके, सो ओवर हियर आर द OPDs, ये जो आप सामने देख रहे हैं OPD 1, 2, 3 डिफरेंट, और यहाँ पे हर तरह के जानवर आए हुए, लंगूर, कुत्ते, बकरी, गाय, भैंस, चूहे, बिल्ली, तो इट इज़ लाइक अ मिनी जू। ए गोस्त, चला दिया तुमने लंगूर को, बंदर से तो बहुत प्यार है। मैक्स, देखो ये जो फैसिलिटी थी, ये जो इंस्टीट्यूट था, ये हॉस्पिटल था, जो ये था तो जानवरों का, पर ये इतना साफ सफाई और इतना वेल ऑर्गेनाइज था। मैं आपको बताऊं तो अनफॉर्चुनेटली जो हमारा पिथौरागढ़ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना इंसानों का, उससे ज़्यादा साफ था ये। और इन 15 मिनट्स हमारा नंबर आ गया, डॉक्टर ने हमें बुलाया। ये 8 months है। 8 months? जी। गोस्ट, कहाँ जाना है? यहाँ आओ, चलो पहले ट्रीटमेंट होगा आपका। अभी तो गोस्टू को डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने बताया कि चोट हल्का सा साइड में लग गई, इस वजह से गोस्टू की आंख बच गई है और इलसी अंधा हो जाता। पर उन्होंने दवाई दी, उन्होंने मुझे बहुत प्यार से समझाया कि बेटा टेंशन मत लो, ये ट्रीटेबल है एंड इन 15 डेज गोस्टू की आंख बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर मैंने सोचा कि हम यहाँ तक आ ही गए, मैक्स भी मेरे साथ था, तो एक रूटीन चेकअप मैक्स का करा ही लेता हूँ। बिग बॉय, मैक्स के नीचे से ट्रिम कर दिए, एकदम बाल कटी मुर्गी लग रहा है, अभी जा रहा है सोनोग्राफी के लिए। तो डॉक्टर्स ने फाइनली हमें छुट्टी दे दी, दिन के 1 बज रहे थे,
यहाँ पे बहुत गर्मी थी एंड वी डिसाइडेड कि यहाँ रुकने का कोई पॉइंट नहीं है, चलते अपने पहाड़ों की तरफ को, जो भी जगह मिलेगी बढ़िया सी ठंडी सी, रात को वहीं नाइट स्टे कर लेंगे। Hi guys, I bring some good news for you. So Ghosty का चेकअप इज डन एंड एवरीथिंग इज फाइन, ही इज गोना रिकवर वेरी सून। आई मीन द फैसिलिटी वाज अमेजिंग, द डॉक्टर्स वर ग्रेट एंड दे लाइक थॉरली चेक Ghosty एंड एवरीथिंग इज जस्ट ऑल। भाई गवर्नमेंट फैसिलिटीज वो भी जानवरों की, इतनी साफ सुथरी, इतनी वेल ऑर्गेनाइज्ड, इतनी वेल मेंटेन्ड, आई वॉज अमेज्ड। अगर मुझसे आप रेटिंग मांगे एज फार एज माई एक्सपीरियंस गोस, मैं इसको दूंगा 10 में से 9 नंबर। और Ghosty की आय 15 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो गई। पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हमारा Ghosty इतना शैतान है कि वो अपनी इस आँख में ना 3 बार चोट मार चुका है। अभी बिल्कुल रिसेंटली 2 महीने पहले हम कहीं घूमने गए थे, वहाँ फिर से Ghosty ने अपनी इसी आँख में चोट मार ली। इतना शैतान बच्चा है ना ये। पर खैर अब आते हैं उस बात पे कि मैंने आपको ये कहानी क्यों सुनाई। देखो अगर Ghosty को आँख में चोट नहीं लगी होती तो हमने ये सफ़र नहीं किया होता, और अगर ये सफ़र नहीं किया होता तो मैं ये नोटिस नहीं कर पाया होता कि Ghosty को गाड़ी में सफ़र करना कितना ज़्यादा पसंद है। Ghosty नेचर से बहुत ही हाइपर, बहुत ही चुलबुला सा बच्चा है, पर गाड़ी में बैठते ही गेट सो काम, वो इतना खुश हो जाता है, उसको दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए होता। जब मैंने चीज़ देखी तो मुझे लगा हाँ Ghosty, मैं और मक्कू और भी जगह सफ़र कर सकते हैं, और भी जगह घूमने जा सकते हैं। और उसके ठीक एक महीने बाद हम गए दारमा वैली। तो ये कहानी है हमारे दो हीरो लोगों की, जो निकले हिमालय में कुछ ढूंढने। क्या ढूंढने? वही जो हम सब ढूंढते हैं, हैप्पीनेस, खुशी। दोस्तों अगर मैं मक्कू और Ghosty को लेके दारमा वैली नहीं गया होता और हिमालयस को एक्सपीरियंस नहीं किया होता तो मेरे को नहीं लगता कि जो हिमालयनस के आप अभी देख रहे हैं ना, ये आपके सामने होता। और यही होती है दोस्तों डेस्टिनी। जितनी भी चीज़ें हमारे साथ होती हैं, चाहे वो अच्छी हों या बुरी हों, वो कुछ ना कुछ हमारे फ्यूचर के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। मतलब सोचिए अगर वो एक्सीडेंट हमारे साथ नहीं हुआ होता, Ghosty की आँख में चोट नहीं लगी होती, हो सकता है आप और हम कभी मिले ही ना होते, आप मेरे बच्चों को कभी जाने ही ना होते, आप इस खूबसूरत ज़िंदगी को नहीं देख पाते जो मैं जी रहा हूँ। कई लोगों का सपना जो मैं जी रहा हूँ वो शायद कभी सपना बना ही नहीं होता है ना दोस्तों। खूबसूरत होती है डेस्टिनी। और आखिर में दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि होली है, होली में प्लीज़ आप खुद को रंग लगाइए, अपने दोस्तों को रंग लगाइए, पर जानवरों को प्लीज़ जानवरों को इससे दूर रखिए। कई सारे जानवरों को इन कलर्स के केमिकल से एलर्जी हो जाती है, क्योंकि आप तो नहा लेते हैं, उन बेचारों पे वो रंग महीनों तक रहता है। सो प्लीज़ उन पे रंग मत डालिएगा। दूसरा, पूरी दुनिया में आपको पता ही क्या फैला हुआ है, COVID-19। सो प्लीज़ गाइज बी सेफ, बी केयरफुल, अननेसेसरी ना हो तो घर से बाहर मत निकलिए। हाँ डरने की ज़रूरत नहीं है, पर प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत ज़रूर है। प्लीज़ सबको बताइए कि अगर आप बीमार फील करते हैं तो जल्दी से जाके डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप घर पे बैठे रहेंगे तो आप और लोगों को भी बीमारी सरा सकते हैं, इसलिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और दोस्तों, आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने अनाउंस करने वाला था, पर वो चीज़ में थोड़ा बहुत पेपर वर्क बचा हुआ है, वो चीज़ पूरी हुई नहीं है, इसलिए उस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलवाने वाला हूँ शीरो, बादशाह और लैला से। अगर आपको नहीं पता ये लोग कौन है तो शीरो को तो आप जानते ही होंगे, बादशाह और लैला Ghosty के बच्चे हैं। अगर आप पूछोगे बाकी के बच्चे कहाँ हैं तो देखो दोस्तों बाकी के बच्चे यहाँ से थोड़े दूर हैं, तो उनसे पर्सनली जाके नहीं मिल सकते, पर हाँ उनकी फोटोज वीडियोस वगैरह मैं आपको दिखाऊंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। देखो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार हमें ज़रूर देना, वीडियो को शेयर भी करना, बिकॉज आपको पता है ना कि जो भी मनी हिमालयनस की बनाएगा वो इन बच्चों को खाना खिलाने में जाता है। हमने ऑलरेडी ये सब शुरू कर दिया है, आपको बहुत जल्दी एक वीडियो के थ्रू मैं आपको सब दिखाऊंगा। ब्यूटीफुल फीलिंग आती है दोस्तों, ब्यूटीफुल फीलिंग आती है इन प्यारे से गुड बॉयज़ गुड गर्ल्स को जब आप खाना खिलाते हो ना, बहुत ही खूबसूरत फीलिंग आती है। सो ऑन दिस नोट द हिमालयनस की ओवर एंड आउट। और हाँ, यू गेस्ड इट राइट, आपका भाई प्यार करता है आपको। ओके बाय।